मान लो गलत फहमी हो गई है। मेरी से परी जतू की कैब को नहीं, अरे मालूम है मेरे को गलती हो गई, एक बार माफी दे दो, एक बार गलती हो गई। अरे तेरे को जवान दी थी मैंने, दी थी ना, गलती हो गई, पूरी करेगा मैं। लोले भाई लेगा नया ले जाए इसको। याद है शिंदे, तूने मुझे कहा था कि तू मुझे घोड़े लगाएगा और मैंने कहा था कि मैं तेरे बैल लगाऊंगा, वो भी जोड़ी में। मेरे लिए खास खरीदे मैं बांध रहे इसको। उसी की जमीन पर तूने उसको चौकीदार बनाया, बेइज्जत किया। तेरे वजह से आज मेरे पास मेरे बाबा नहीं है, मां नहीं है, बहन नहीं है, तेरी वजह से हर चीज खत्म हो गई। यह जमीन आज वापस लेके रहूंगा मेरे बाबा के लिए। शिंदे तेरे को मैंने कहा था खून बहाए मेरा इस जमीन पर, एक दिन लेकर रहूंगा। ए कन्या अंगूठा ले। एक शिंदे एक ले ली तेरी जमीन ले ली। पीछे हाथ भरा तेरे को बात को समझाओ। राहुल यार मर गया है वो। ए बाबा ले ली अपनी जमीन। ए बाबा ले ली अपनी जमीन। ले ली जवान जी के बाबा। दत्ता बाबू राहुल गलती से लग गया क्या फोन? ए बाबा खुशखबरी है, शिंदे से ले ली अपनी जमीन। देख रहा हूं लिया, वो जमीन मेरे बाबा की थी, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो जमीन मैंने कौड़ियों के नाम बेच दी। मर जाऊंगा उस पर हल नहीं चलाऊंगा। ए बाबा मेरी बात सुना। बाबा अब उससे ही बात कर लेना मोरे काका। अच्छा बैठ। और मोरे काका तबीयत ठीक है? कैसे ठीक रहेगी, पेट पे लात मारना चाहता है तू तो। किसी बातें कर रही हो गणिया, क्या बोला तुमको? मैं बोला जगह बेचने को, मानी नहीं रहा। छोड़ना उनको, काम की बात करते। जाने देना तू। देखो मोरे काका, आपकी इस 2 एकड़ जमीन की वजह से ना मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये मित्तल है, इसको वहां पे फैक्ट्री डालना है। आप दाम बोलो ना। माता क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ बहुत हंसी आ रही है। हंसना क्या कर रहा है? हंस रुक गई। सॉरी वो गलती हो गई। वो क्या है ना कि 12वीं के एग्जाम में मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हुआ ना, और इंजीनियरिंग में डोनेशन भी नहीं देना पड़ा। बाप को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है बेटा। लेकिन सॉरी मगर वो अरे ये लड्डू देना, लड्डू दे।
फंसो। गण्या हम मोरिका का ये जमीन नहीं लेंगे। ये जमीन तो चाहिए हमें। तेरे को दूसरी जमीन ला के देता है। राहुल भाई इसके जमीन के पीछे पानी है। अबे तेरे को बोला दूसरी जमीन देता है वो भी पानी के पास। कहाँ जा रहा है? काम है। रुक मैं आता हूँ। बच्चा नहीं हूँ मैं समझा। हर जगह मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। बताओ राहुल बाबा तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। बाबा आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को आप लोगों के बिना। अपनी मर्जी से गया था ना तू? कैसी मर्जी पापा? आप लोगों को कितनी बार बोला मेरे साथ आकर रहने के लिए? तुम्हारे घर में उन लाशों की बू आएगी जिनको तूने मारा है। कॉर्पोरेटर को मारने के बाद तुम्हें एक मौका मिला था सुधरने का, लेकिन तुम्हें मस्ती चढ़ गई थी पैसों की भाई गिरी की। बाबा हमें सब छोड़ देगा तुम वापस आएगा? नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जिस दिन सजा कट के आओगे खुशी खुशी तुम्हें अपना लेंगे हमारे घर में। अब आप जानते हैं मुमकिन नहीं है। बाबा मैं आपको वादा करता हूं मैं सब छोड़ देगा। बाबा मैं राजनीति में जा रहा हूं। बाबा एक पार्टी टिकट भी दे रही है मेरे को और मैं जीत भी जाऊंगा। बाबा एक बार आपके और मां के चेहरे पे वो पहली वाली हंसी देखना चाहता हूं मैं। आ जाना मेरे साथ रहने। बाबा मैं बहुत अकेला हूं बिल्कुल अकेला हूं मैं। बाबा एक बार पहले जैसे हंस देना। बाबा हमारे हालत ने हमारी हंसी नहीं छीन ली राहुल, तुम्हारी करतूतों ने छीन ली। जिस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे ना जी भर के हंसूंगा मैं। अब खाना खा लो बहुत मेहनत बाकी है। यार यार भाई में भाई राहुल या भाई राहुल भाई में भाई राहुल या भाई राहुल मेरी तरफ से मैं पैसे नहीं लूंगी। तुझे एक खुशखबरी देनी है। आओ ना अगले हफ्ते शादी है मेरी इसके साथ और 6 महीने में मेरे बच्चे का नामकरण विधि है। अगर फुर्सत मिले ना तो आ जाना। वो क्या आएगा उसकी तो एक्सपायर डेट भी एक्सपायर हो गई है। राहुल भाई मंदा साड़ी में इस गजरे में एकदम मस्त लग रही है। अगर जिंदा रहना तो जरूर आना। गणपति बापा मोरिया। सला विसर्जन ड्यूटी पर जाओगी? अरे इतने अच्छे दिन के ऊपर इस मनुष्य का फोन क्यों आया? कुछ नहीं राजवीर, मैंने तेरे को फोन इसलिए किया है कि आज पुलिस का काम मैंने करने का फैसला लिया है। प्लीज करो, आज विसर्जन में तुम सिर्फ तमाशा देखोगे। तमाशा देखेंगे? राहुल और गण्या की पूरी क्यांग का गेम बचेगा। प्लीज बचो, रोको मत। बिल्कुल नहीं रोकेंगे, सिर्फ एंजॉय करना। एंजॉय करें सर, हम कुछ नहीं करेंगे।
इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन करा तो पाजी ही रहे। वो तो है। सलाम। इतनी सर, तू जानता है मेरी शुरुआत कहां से हुई थी? मार्केट यार्ड। और तू जानता है यहां मैंने अपना दिल खोया था? चाय की दुकान पे? दुकान पे नहीं रे, चाय वाली पे। है ना खूबसूरत? बंदा, तेरे ग्लास लौटाने आ गया मैं। तेरी याद में रखे थे, अब तू नहीं है तो क्या तेरी याद? दादा, अरे कोई नहीं है वहां पे। उसकी शादी होगी ना। चल तू मेरे साथ। कहा? अरे सवाल मत पूछ, तू चल। राहुल, क्या कर रहा है तू इधर? ये बच्चा मेरा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। नहीं, मेरा है। अच्छा है। ए बंदा, जिस चीज को मैंने छुआ है ना, वो साला मिट्टी हो गया। मां गई, पापा गया, अब तू भी मुझे छोड़ के चलेगी? हो सके तो मेरे को माफ कर दे रे बंदा, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती होगी। दादा चले, विसर्जन में जाना है। तू गनिया को फोन लगा। चले आज नहीं साहब। बस एक दिन का मोहलत दे दो, पहले मैं गनिया का अंतिम संस्कार करूंगा, पिटिया दया को खत्म करूंगा, और उसके बाद तुम फांसी भी लगा दो तो कोई गम नहीं। अगर मैं नहीं आता तो तू ये बकवास करने के लिए जिंदा नहीं बचता। मेरी तकदीर है साहब कि मैं जिंदा हूं। जा, आजमा ले अपनी तकदीर। मैं तकलीफ दे हूँ, घर के बाहर जो लड़के लोग हैं ना,
उनको बोल मार्की लाने को, ठीक है? हाँ ठीक है दादा। वर्जिलिस की हालत देख, खुद को बेचेगा ना तुम, इसके रिपेयर का खर्चा नहीं पाएगा। ओ शिंदे सेठ, पैसे की अकड़ मत दिखा। गुलमान जी जमीन पे तो खड़ा है ना, जमीन कभी हमारी थी, रोकड़ा देके खरीदी है मैंने। अरे जहां सबको पता किस दाम में खरीदी है। राहुल राहुल बस, कल की मेरी थी, मैंने कहा ना तुम्हें एक मौका मिला था सुधरने का, आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे। मैं आधी नहीं खाऊंगा, मैं पूरी थाली खाऊंगा, वो भी स्वीडिश के। मेरी बेटी सोइए मेरे साथ। सुनो रे सब लोग, जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प सकता है लेकिन पता को छीन नहीं सकता। ये तेरे जैसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास, जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया। ये भाई बन जाएगा बाबा, जब अपने साथ छोड़ देते ना तो पढ़ाया कोई अपना नाम देगा। पहले तेरी बहन को रेप करेगा फिर छोड़ेगा। साहब दत्ता पाटिल बोल रहा हूँ मार्केट यार्ड से, इधर फायरिंग हो रही है, कुछ करो साहब, रावला मर जाएगा।